हेलो क्लास, वेलकम बैक। अब सभी शांत हो जाएं। जैसे कि बात हुई थी, आज हम लोग एक नया चैप्टर ही नहीं, नई बुक शुरू करने जा रहे हैं और बुक का नाम है कंपनी अकाउंट्स और चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। तो बात ऐसी है कि आने वाली कम से कम 15 या 16 क्लासेस इसी चैप्टर की रहने वाली हैं। बहुत लंबा चलेगा, मान के चलिए एक महीना पूरा लग जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, पर अगर आपने ये चैप्टर अच्छा किया तो इसकी हेल्प आपको कम से कम 5 या 6 चैप्टर में मिलने वाली है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, बिजनेस 3 तरह का होता है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो कम से कम 80% टाइप ऑफ बिजनेस किस तरह के होते हैं? सोल प्रोप्राइटर देखे हैं आपने? हाँ, अभी मार्केट में निकल जाओ, छोटी छोटी दुकानें जितनी भी खुली हुई हैं वो सब क्या है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम इसी फॉर्म में होते हैं। और तकरीबन 10 से 12% क्या मिलती हैं? पार्टनरशिप। और तकरीबन 7 से 8% कंपनी। ऐसा इतना कम क्यों है कंपनी में, बताओ? क्योंकि कंपनी खोलना इतना आसान भी नहीं है भाई, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। किस तरह की फॉर्मेलिटीज? लीगल बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब इसके अंदर जो कानूनी लफड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आदमी सोचता है भाई मैं बिजनेस करने आया हूँ, टेंशन करने नहीं, ठीक है ना। इसीलिए वो इसी के अंदर छोटा मोटा काम करके खुश रहता, अपना जीवन चलता रहता है उसका। सुनिएगा ज़रा, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप क्लास 11th में पढ़ लिया था। पार्टनरशिप की मैं बात करूँ तो ये 12th का पार्ट 1 है और ये कंपनी है 12th का पार्ट 2। सुनिएगा ज़रा, अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो इसके अंदर एक रहता है, इसके अंदर 2 से लेके 50, मतलब मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम, और इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स मालिक बन सकते हैं। लायबिलिटी की मैं बात करूं तो इसके अंदर लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, इसके अंदर भी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, किसकी? मालिकों की। और इसके अंदर लिमिटेड रहती है, ये समझाऊंगा कि कैसे लिमिटेड रहती है। इसके अलावा कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल इनके केस में लिमिटेड क्यों है? अरे क्योंकि एक ही तो मालिक है, कितना पैसा लगाएगा। इनके केस में भी कैपिटल की एक लिमिट है, क्योंकि 50 ही तो लोग हैं, कितना ले आएंगे। पर इसके अंदर क्योंकि मेंबर इनफाइनाइट हैं तो भाई कैपिटल की कोई लिमिट नहीं है, कितना ही मंगा लो। लिमिट होती है, बताऊंगा किस तरह की है, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। पर क्योंकि मेंबर ज़्यादा हैं तो पैसा भी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है इसके अंदर। उसके अलावा अगर मैं नए मेंबर की बात करूं तो इसके अंदर नया मेंबर ऐड नहीं होता, ये तो सोल है। इसके अंदर अगर नया मेंबर आता है तो नया रेशो निकलता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, गुडविल की एडजस्टमेंट वगैरह होती थी। इसके अंदर क्या है, अगर आपको नया मेंबर चाहिए तो सिंपली उसे क्या करना पड़ेगा, कंपनी के शेयर खरीद ले, बन गया मेंबर, ठीक है ना। अगर इसके अंदर कोई मेंबर जाता है, इसके अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है, एक ही तो है। इसके अंदर अगर पार्टनर जाता था तो न्यू रेशियो, रिवैल्यूएशन और गुडविल वाला काम होता था। और इसके अंदर अगर मेंबर जाए तो उसे खाली अपने शेयर बेचने पड़ेंगे और वो जा सकता है। इंसॉल्वेंसी और डेथ का इसके अंदर क्या असर पड़ता है? अगर किसी मेंबर की इंसॉल्वेंसी हो जाए या डेथ हो जाए तो इसके अंदर क्या असर पड़ता है? बिजनेस बंद ही हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, उसका पार्टनरशिप पे असर पड़ता था, इट रिजल्ट्स इनटू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, हाँ या ना। और इसके अंदर क्या होता है, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है भाई। कंपनी में अगर मान लो 50 मेंबर्स हैं और किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए, कोई जाना चाहे, जाएगा कैसे? शेयर बेचेगा, चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 जा रहे हैं, 4 चले जाएं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये कंपनी का बहुत अच्छा फीचर है। एक गवर्निंग लॉ, इसको देखने वाला कोई भी नहीं है, कह रहा है मरना है मरो, डूबना है डूबो, चलना है चलो, जो करना है करो। इसको कौन गवर्न करता है? पार्टनरशिप एक्ट, और इसे कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करता है, ठीक है ना। अच्छा, बेसिकली इन दोनों के अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्या लिमिटेशंस है आपकी नज़र से? एक तो इसके अंदर लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और इसके अंदर लायबिलिटी क्या है?
अगर ये एक लिमिटेशन है तो उस हिसाब से ये एक एक एडवांटेज है, हाँ या ना। और कैपिटल देखो, ये भी लिमिटेड है, इसके अंदर कैपिटल, तो ये इसके कुछ फायदे भी हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इसमें से जो भी टाइप का तुम बिजनेस चलाओ, इनमें से किस टाइप के बिजनेस को बैंक से लोन लेना आसान होता होगा? कंपनी को लोन लेना आसान है, रीजन कोई? क्योंकि बड़ी है, एसेट बहुत सारी है। ओए मतलब अगर मैं इसके अंदर बहुत सारी खरीद लूं तो इसको भी लोन दे देंगे? अबे क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाला बैठा हुआ है बंदा, कौन ये बैठा हुआ है, कह रहा मेरे होते हुए, कह रहा चिंता मत करना, हर चीज का रूल रेगुलेशन बना रखा है। समझ आ रही है मेरी बात? इसने हर चीज का रूल बना रखा है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। ओए कैसा फ्रॉड कर लोगे तुम, मैं हूं ना देखने के लिए। इसीलिए लोन वाले, बैंक वाले इनको फटाफट लोन दे देते हैं। आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा समस्याएं किसे आती होंगी लोन लेने में? सबसे ज्यादा इसको दिक्कतें आती हैं बेटे, इसे बेचारे को लोन कोई देके ज्यादा जल्दी राजी नहीं है, दे देते हैं, चैलेंजेस आते हैं इसके अंदर, समझ रहे हो। कुछ और भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इन दोनों के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, पर वो प्रॉब्लम्स इसके अंदर नहीं रहती हैं। तो कुछ लोगों को ये पसंद है, कुछ लोगों को ये, और कुछ लोगों को इसी के अंदर काम करना पसंद होता है। किसी का कोई डाउट है तो बताएं। नहीं, अब हमारा डिस्कशन जो चलेगा वो सिर्फ किसके बारे में चलेगा? कंपनी के बारे में चलेगा। अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ लिंक हैं, लिंक 1, 2, 3, 4, ये सारे जो लिंक हैं, जैसे जैसे हम इनको आगे पढ़ते चले जाएंगे इनका जो कलर है वो चेंज होता चला जाएगा। नहीं समझे, इसका मतलब है जिसका कलर चेंज हो गया वो टॉपिक हम पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। आइए जरा, हाँ जी, लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप होती है ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड कैपिटल, मैनेजमेंट एबिलिटी, तो ये कुछ कमियां हैं किसके अंदर? सोल और पार्टनरशिप के अंदर। इसीलिए क्या हुआ, नया फॉर्म लाया गया जिसे क्या बोला गया, कंपनी, ठीक है ना, ताकि इन सारी कमियों को हटाया जा सके। हेयर वी विल स्टडी अबाउट द कंपनी अकाउंट्स, ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट अकाउंट्स भी इसको बोला जाता है। सुनिए आगे तो हम बढ़ लेंगे, इसके आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ टर्म्स जो हम यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर, हम उन टर्म्स के बारे में पहले ही समझ लेते हैं, ताकि बीच में उन टर्म्स को हमें समझने में दिक्कत ना आए। जैसे कि ये एक है मेरे पास, क्या ये प्रोस्पेक्टस, स्पेलिंग थोड़ी मेरे से गलत हो गई थी, मैंने कुछ टाइप किया था, ठीक है। एनीवेज बड़ी जल्दी पढ़ लिया होगा मुझे पता है, कुछ तो हंसने भी लग गए हैं। तो इस तरह की कुछ टर्म्स होंगी, पहले उनके बारे में जान लेते हैं फिर चैप्टर के अंदर चलेंगे हम लोग, ठीक है। आइए ज़रा समझिएगा ज़रा इस सिस्टम के अंदर, ये जो बाउंड्री लाइन है, मान लो ये आपकी कंपनी है, ठीक है ना। अच्छा ये होता है कौन, प्रमोटर, ये प्रमोटर कौन बला है? देखो एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको करा रहा हूं ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ चुके होंगे, बट मैं फिर भी एक बार उन्हें रिवीजन क्यों करा रहा हूं, क्योंकि चैप्टर का एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होता है जो फाउंडेशन बनाएगा प्रैक्टिकल को समझने के लिए, इसीलिए मुझे लगा सारी चीजें एक बार रिपीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक क्लास फालतू लग जाएगी, ठीक है ना। प्रमोटर कौन होता है? बेसिकली जिसे ये आइडिया आता है कि किस टाइप का बिजनेस खोलना है, ठीक है ना। मान लो इसे कोई भी आइडिया आया कि हम एक ऐसी डिवाइस बनाएंगे कि लोग दूर बैठ के एक दूसरे से बात कर पाएंगे, यानी कि फ़ोन, हालांकि आइडिया बहुत पुराना हो चुका है, पर मैं कह रहा हूँ मान लो पहली बार आया, तो ये कौन है? प्रमोटर। याद रहेगा प्रमोटर वो लोग होते हैं जो आइडिया को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अच्छा उसके अलावा ये मैंने आपको क्या बताया, दिस इज़ अ कंपनी। अच्छा कंपनी खोलने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सर्टिफिकेट ऑफ, ये होता क्या है? जैसे तुम लोगों के जन्म का कोई एविडेंस है बर्थ सर्टिफिकेट, वैसे ये कंपनी के बर्थ का सर्टिफिकेट है। अच्छा तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट कहां से मिलता है? हॉस्पिटल से भी मिल जाता है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी मिल जाता है, वैसे ही इसका कहां से मिलेगा? कंपनी का रजिस्ट्रार का ऑफिस है वहां से मिलता है।
और ऐसे नहीं जाके मुंह मतलब लेके वहाँ पे खड़े हो गए, भाई साहब एक दे देना जरा, तरीका होता है उसको मिलने का, बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी। उसके अलावा ये सब क्या है, ये है कंपनी के शेयर। शेयर मतलब बेसिकली कुछ और नहीं, ये लो, ये है, ये शेयर है एक, ठीक है, ये एक्चुअल है, ठीक है ना, ये कंपनी का शेयर है। अच्छा, जो कंपनी का शेयर खरीदेगा वो कौन बन जाएगा, शेयर होल्डर। अच्छा, ये सब कौन नजर आ रहे हैं, कौन है ये, पब्लिक, शेयर होल्डर नहीं है। अबे सारी पब्लिक थोड़ी बन जाएगी शेयर होल्डर भाई, ये देखो ये कौन है, ये शेयर होल्डर है जिन्होंने हमारे शेयर खरीदे हुए हैं। बात समझ आ गई है। तो कंपनी ये शेयर लोगों में बांट देती है और लोगों से क्या ले लेती है, पैसा ले लेती है, पैसा, ठीक है ना, ये बेसिकली कैपिटल कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा यहां पर कौन बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है यहां पर, आर ओ सी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जिसे बोला जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ, ये बेसिकली वो बंदा है जो किस पे निगाह रखता है, कंपनी के ऊपर, कि भैया तुम किसी के साथ कुछ गलत मत कर देना। वो कह रहे हैं कैसा गलत, क्या लग रहा है तुम्हें, कह रहा है सुनो तुम लोग वो हो जो किसके साथ डील कर रहे हो, पब्लिक के साथ, और पब्लिक के साथ कुछ गलत हुआ तो जूते हमें पड़ेंगे, हमें मतलब, ये कह रहा है, इसको समझ आ रही है। इसीलिए कह रहा है तुम्हारी हर हरकत पे मेरी नज़र रहेगी। बात समझ आ रही है। सो ये बेसिकली कंट्रोलिंग का काम करता है एक, ठीक है, बहुत टेंशन देता है तुम लोगों को, पता है ये, कहीं कोई डाउट, क्या क्या सीखा, प्रमोटर, कंपनी, शेयर होल्डर, रजिस्ट्रार और पब्लिक, कुछ टर्म सामने आई हैं। आगे चलते हैं ज़रा, एक लिंक हमारा हो गया, दूसरे लिंक पे चलते हैं ज़रा। लो जी, ये कौन है, इसके अंदर वो शामिल है क्या जो थोड़ी देर पहले है अकेला था, प्रमोटर, हाँ या ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, चांसेस किस चीज़ के ज़्यादा हैं, 99% चांसेस इस बात के हैं कि प्रमोटर इसके अंदर इंक्लूड होता है। और भाई जिसका आइडिया है तुम्हें लग रहा है वो हट जाएगा पीछे, वो तो कहेगा अरे मैं भी बनूंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे मुझे कुछ आता ना हो, समझ रहे हो ना। तो 99% इसके अंदर प्रमोटर्स होते हैं। अच्छा मुझे ये बता दो, ये बंदे अभी तो एक था वो तो समझ आया प्रमोटर, ये कहाँ से आ गए और आ कैसे गए, ये बेसिकली अपॉइंट करे होंगे, ये किसने अपॉइंट किए होंगे, प्रमोटर ने, हाँ, इलेक्शन होता है, इलेक्शन, और कौन बन सकता है, कोई भी बन सकता है, हो सकता है ये जो शेयर होल्डर हैं इनमें से कोई आ जाए, और हो सकता है पब्लिक में से भी कोई आ सकता है, कोई भी आ सकता है, इलेक्शन के थ्रू आना पड़ता है। अच्छा, अगर इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना है तो क्या इन्हें कुछ शेयर भी खरीदने पड़ते हैं, बताओ, कंपल्सरी है क्या, नहीं, पहले होता था, पहले इन लोगों को शायद 5% शेयर खरीदने पड़ते थे। अगर मेरे पास मान लो जैसे 2000 शेयर हैं तो 2000 का 5% इन लोगों को खरीदने पड़ते थे, अब ऐसा नहीं है, रूल चेंज हो गया है, उन्हें बोलते थे क्वालिफिकेशन शेयर, ठीक है ना, अब वो कंसेप्ट नहीं है, मतलब बिना शेयर के भी आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकते हैं। कहीं कोई डाउट है किसी के मन में तो पहले ही बताओ, पक्का नहीं है, हाँ बिल्कुल, पहले होता था भाई, वो चेंज ना करें तो देखो उसका कोई इलाज नहीं है, पर नहीं, ये 2013 का ही चेंज है आई थिंक कंपनीज एक्ट का, पर प्रेजेंटली ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये है कंपनी का स्टैम्प, इसे बोला जाता है क्या, कॉमन सील, कॉमन सील मतलब कंपनी की जो आइडेंटिटी है ना वो इसी से है। अगर किसी कागज़ पर ये स्टैम्प लगा हुआ है तो वो कंपनी के लिए बाइंडिंग है, मतलब वो कंपनी को फॉलो करना ही पड़ेगा, और अगर किसी पेपर पे ये स्टैम्प नहीं है तो कोई कंपनी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्या बोला जाता है इसे, कॉमन सील।
अच्छा एंड व्हाट इज दिस प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस ये गलत स्पेलिंग वाला मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये किस काम आएगा? जब आप ये शेयर लोगों को दोगे ना तो लोग ऐसे आंख बंद करके भरोसा नहीं करते हैं। आप लोगों को पहले क्या भेजते हो? आप पहले ये प्रोस्पेक्टस भेजते हो, फिर लोग इसे पढ़ते हैं। अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है इसके अंदर क्या लिखा होता होगा? कंपनी की डिटेल। अच्छा तुम लोग जब नए स्कूल में एडमिशन लेते हो तो तुम भी तो कंपनी उसका स्कूल का प्रोस्पेक्टस पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? हमारे स्कूल में घोड़ा दौड़ाया जाता है, हमारे स्कूल में फुटबॉल खिलाई जाती है, हमारे स्कूल का रिजल्ट ऐसा था, बहुत सारी चीज़ें, बस हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, है ना? ये सब चीज़ें बेसिकली इसके अंदर, मैं क्या ये कह सकता हूँ, इसके अंदर वो चीज़ें लिखी होती हैं जो अट्रैक्ट करने के लिए, हाँ या ना? इसके अंदर मिशन है, आपका विजन क्या है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रिसोर्सेज चाहिए, कितना पैसा चाहिए, सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी होती हैं। तो जब आप ये जनता को देते हो तो जनता इसे पढ़ती है, जिनको अच्छा लगता है, जिनको अच्छा लगता है फिर वो कंपनी को बोलते हैं कि हमें इसमें से कितने शेयर चाहिए, वो शेयर इन्हें दे देते हैं और वो लोगों को, वो कंपनी को पैसा दे देते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या क्या सीखा फिलहाल? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कॉमन सील एंड प्रोस्पेक्टस। आगे बढ़ा जाए, दो लिंक हमारे हो गए हैं, तीसरे लिंक की तरफ चलते हैं। जरा लो जी, दो पेपर और आपके सामने आ गए हैं, ये रहे मेरे हाथ में भी हैं, ये रहे। क्या क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों भी कुछ होते हैं। ये दोनों आते कहाँ से हैं? ये स्टेशनरी की दुकान पर मिलते हैं क्या? ये बनवाने पड़ते हैं, इनको ड्राफ्टिंग का बोला जाता है काम। इनको कौन ड्राफ्ट करता है आपकी नज़र में? कौन ड्राफ्ट करता होगा इन्हें? ये गूगल पर मिल जाएंगे क्या? है, अगर मैं नया बनवाना चाह रहा हूँ, मेरी नई कंपनी है, तो गूगल से डाउनलोड कर लूँ? खुद आपके जो रूल रेगुलेशन है आपके बिजनेस के हैं वो इसके अंदर लिखे होते हैं, इंटरनल रूल रेगुलेशन क्या होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो फिर ये आएंगे कहाँ से? आप इन्हें ड्राफ्ट करवा सकते हैं, कोई लॉयर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई कंपनी सेक्रेटरी है, CS जिसे आप बोलते हैं, तो वो इसे ड्राफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना? एनीवेज, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक होता है मेमोरेंडम ऑफ, और इनके अंदर क्या लिखा होता है देखो ज़रा, इसके अंदर क्या लिखा होता है? और इसके अंदर क्या लिखा होता है? कंपनी के नाम के बारे में, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस, कंपनी का ऑब्जेक्टिव के बारे में, कंपनी की कैपिटल के बारे में और कंपनी की कैपिटल के बारे में। तो इन्हें बोला जाता है क्लॉज, क्लॉज, क्लोज नहीं, क्लॉज, ठीक है ना? तो ये पांच क्लॉजेज होते हैं जो MOA के अंदर लिखे जाते हैं, सही है? कहीं कोई डाउट है तो बताएं। चलें आगे, ठीक है। तो देखो क्या क्या हमने चीज़ें सीखी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीखा, शेयर सीखा, AOA, MOA, प्रोस्पेक्टस, कॉमन सील, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पब्लिक और शेयर होल्डर, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। ये सारे शब्द हमारे बीच बीच में यूज होंगे, ठीक है? आइए आगे बढ़िए। कह रहा है देर इज नो डिफरेंस इन अकाउंटिंग ऑफ अ सोल कहो, पार्टनरशिप कहो या कंपनी कहो। कह रहा अकाउंटिंग तीनों की सेम है, तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं? देखेंगे क्या है। कह रहे सेम रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आर फॉलोड फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ, कौन से रूल्स की बात कर रहा है ये? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, थे ना कुछ रूल्स? तो कह रहा वही रूल्स हमारे फॉलो होंगे, चाहे सोल हो, चाहे पार्टनरशिप हो और चाहे कंपनी हो। सुनो, कह रहा द ओनली डिफरेंस इज इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इन द बिजनेस। तो यहाँ पर एक लिंक है, जरा इसे देखो जरा। अगर मैं सोल में हूँ तो कैपिटल की एंट्री यही सीखी थी 11th में, याद करो। उसके बाद हम मशीन खरीदते थे, माल खरीदते थे और कैपिटल लगती थी, तो एंट्री रिपीट हो जाती थी यही वाली। उसके बाद माल बेचा, ईयर एंड पे ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, यही सब होता था। अगर मैं पार्टनरशिप में हूँ तो बस यहाँ पर पार्टनर का नाम आ जाता था, उसके बाद और पैसा लगाया तो यहाँ पर पार्टनर का नाम आ जाता था, बाकी सारी चीज़ें वही रहता था, माल खरीदना वगैरह वगैरह वगैरह, बस यहाँ एक डिफरेंस आ जाता था, यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन जुड़ जाता था। क्यों?
क्योंकि बंदे हो गए दो या दो से, तो प्रॉफिट को बांटने के लिए एक नया अकाउंट बनाया जाता है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सही है ना। उसके बाद अगर मैं कंपनी में बात करूं, देखो बेटा कैसे भर के बैठे हैं लोग, एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो सुनो ज़रा, कह रहा है मैक्सिमम कैपिटल यहीं पर डिसाइड कर ली जाती है कि कितनी कैपिटल आप जनता से ले सकते हैं। ये कौन डिसाइड करता होगा कि जनता से कितना पैसा मांग सकते हैं कंपनी वाले? आरओसी कैसे डिसाइड करेगा? दरअसल आपका ये जो है ना MOA, इसके अंदर होता था ना कैपिटल क्लॉज, उसके अंदर लिखना पड़ता है आपको कि कितना पैसा आपको चाहिए। अरे जब हम ये सारे कागज़ बना लेते हैं ना, तो ये सारे कागज़ हमें जमा करवाने पड़ते हैं किसके पास? वो इन्हें पढ़ता है, अब पढ़े ना पढ़े पर वो मांगता तो है, पढ़ता ही होगा डेफिनेटली। मैंने कभी देखा तो नहीं जाके ऑफिस में, पर पढ़ता ही होगा क्योंकि गैर कानूनी, उसको भी तो इसके ऊपर साइन करके देना है, तो उसके लिए जिम्मेदारी का काम है, तो पढ़ेगा। तो इसके अंदर बेटा लिखा जाता है कि कितनी कैपिटल आपको चाहिए, और अगर रजिस्ट्रार को सही लगा तो वो हाँ कर देगा, गलत लगा तो रिजेक्ट कर देगा। भाग, 2 करोड़ मांग रहे, औकात नहीं है तेरी 10 लाख की भी? बात समझ रहे हो? ऐसे बोलता नहीं है, इससे ज़्यादा बेइज्जती से बोलता है। सुनो, हाँ तो मैं कह रहा था कंपनी के केस में स्टार्टिंग में ही डिसाइड हो जाता है कि आप कितनी कैपिटल लोगों से ले सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। वाई शेयर कैपिटल? क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल है वो बहुत सारे लोगों में शेयर्ड होती है। बात समझ रहे हो? और आगे सुनो, कैपिटल एंट्री इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स लेड डाउन अंडर, हाँ, कंपनीज एक्ट के अंदर पहले से ही रूल रेगुलेशन बता रखे हैं। देखो यहाँ कैपिटल की एंट्री डालना तुम्हारी मर्जी है, जब चाहे मंगा लो पैसा, नहीं समझे? इन दोनों के केस में कैपिटल आप कभी भी मंगा लो, जब चाहिए तब ले आएंगे। पर कंपनी के केस में अगर आपको कैपिटल मंगानी है तो आपको वो रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे जो कंपनीज एक्ट के अंदर गिवन है। बात समझ आई? आगे बढ़ूं, कोई बोलेगा? इसके ईयर एंड पे कुछ डिफरेंस है, इसका ट्रेडिंग P&L, P&L अप्रो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट इसकी भी है, थोड़ी सी डिफरेंट है। इसकी ऊपर एसेट है और नीचे लाइबिलिटीज है, या फिर ऊपर लाइबिलिटीज नीचे एसेट, जो भी है, पर ये सीक्वेंस इससे थोड़ा सा अलग है। दूसरी बात, इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। आपको पता है ये दोनों, ये किससे बनता है? ये ट्रेडिंग और P&L का ही है बेसिकली एक रूप। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कंपनी के केस में P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनता है? बताओ, तुम्हारे सामने ही तो हैं सारी चीज़ें। क्या कंपनी के केस में P&L अप्रोप्रिएशन बनेगा? हाँ यार, यहाँ दो और दो से ज़्यादा लोग 50 हैं, इन्हें प्रॉफिट बांटने की ज़रूरत पड़ गई। इसमें लाखों करोड़ों लोग हैं, इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रॉफिट बांटने की, हैं? इनके बच्चे नहीं है, इनका परिवार नहीं है, इनको नहीं चाहिए कमाई, बोलो ना, तो इनको भी प्रॉफिट बांटना पड़ता है। तो उसे बांटने के लिए P&L अप्रोप्रिएशन बनेगा या नहीं बनेगा? अगर बनेगा तो कहाँ है? इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर तो नहीं है। देखो, ट्रेडिंग और P&L दोनों से मिलकर तो क्या बन गया? और बैलेंस शीट की जगह पर बैलेंस शीट बन गई, बस थोड़ा फॉर्मेट अलग है। फिर ये कहाँ है? ये बेटे बनता है पर फॉरग्राउंड में नहीं है, आपके सामने नहीं है, ये बैकग्राउंड में बनता है। और बैकग्राउंड में भी इस तरह से नहीं बनता, थोड़ा सा तरीका अलग सा है, अजीब सा है, बाद में बताऊंगा सही टाइम आने पर। बात समझ आ रही है? बनेगा तो ज़रूर, क्योंकि प्रॉफिट बांटने की ज़रूरत तो कंपनी को भी पड़ती है, याद रहेगा। चलिए ज़रा, यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ जी, टू अंडरस्टैंड कंपनी, जितना भी हमारा सारा डेटा है ना कंपनी का, उसे मैंने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। क्या? मीनिंग एंड फीचर, टाइप्स ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, एंड कंपनी पैसा कैसे उठाती है लोगों से, शेयर होल्डर से, यानी कि रेजिंग ऑफ कैपिटल, जिसका दूसरा नाम है इश्यू ऑफ, यही तुम्हारी बुक में चैप्टर का नाम भी है, वहीं हमें पहुँचना है। और उसके खुद के अंदर बहुत सारे लिंक हैं अंदर जाके, ठीक है। चलिए ज़रा, सबसे पहले कहाँ चलते हैं?
हालांकि जो पहले तीन पॉइंट हैं, जो पहले तीन पॉइंट हैं वो हमारे लिए वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर जैसे मैंने पहले कहा था, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में चल रहे होंगे ना, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसी टर्म्स आएंगी जिनका एंट्री डालने के लिए भी आपको इनकी एक क्लैरिटी होनी ज़रूरी होती है, ठीक है। इसीलिए एक बार इन्हें फिर से डिस्कस किया जाएगा। आइए सुनिएगा जरा, स्ट्रेच नहीं किया कहाँ है? चलो भाई। हाँ जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मीनिंग एंड फीचर की, तो कंपनी इज एन एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ पर्संस एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर कैरिंग सम बिजनेस। क्या समझे आप इससे? हाँ, इसके अरे जैसे पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस चलाते थे, यहाँ पर भी वही है, पर पार्टनरशिप बनती थी एग्रीमेंट से, कंपनी एग्रीमेंट से नहीं बनती है। कंपनी किससे बनती है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपके पास ये है तो आप मान लो कंपनी का जन्म हो गया, ठीक है ना, तो इससे हमारी कंपनी की शुरुआत होती है, ठीक है ना। आइए ज़रा इसके बाद अगर मैं फीचर की बात करूं, तो इसका पहला फीचर क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। क्या समझे आप इससे? हाँ, रजिस्टर्ड, कि भाई कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो ही वो कंपनी के दायरे में आती है, ठीक है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, पढ़ो इसे जरा। क्या कहना चाह रहे हो? रजिस्टर्ड का मतलब है आपने वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करा के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिया है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी खुद कंपनीज एक्ट के अंदर काम करता है भाई, वो तो एक बंदा है बस। अब इसको पढ़ने मत बैठ जाना, इसके अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो मैंने एक डमी लगा दिया है बस सामने तुम्हारे। कोई परेशानी? चलें आगे। चलिए अगला क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्या पार्टनरशिप के केस में होता था? नहीं, वो खाली सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी होता था। वहाँ पर कानून की नज़र में बिजनेस और मालिक एक ही माने जाते थे, और अकाउंटेंट की नज़र में दोनों अलग माने जाते थे। यहाँ कंपनी के केस में अकाउंटेंट की नज़र में भी दोनों अलग हैं और लॉ की नज़र में भी दोनों अलग हैं। मतलब कंपनी की एक अपनी अलग पहचान है और शेयर होल्डर्स कंपनी से अलग हैं, ठीक है ना। रीड करो।
समझ आ गया है? हाँ क्या? हाँ, कंपनीज के लिए इनकम टैक्स कंपनी का खर्चा है, होता है कुछ। हाँ क्या? ऐसे तो डिविडेंड टैक्स भी होता है एक। हाँ, पर अभी हम नहीं जा सकते उधर। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी की एक अपनी अलग पहचान है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंपनी का ही है, तो उसके ऊपर टैक्स भी कंपनी ही देगी। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्रेटरशिप के केस में क्या है, सारा प्रॉफिट किसका है? मालिकों का है, तो टैक्स की जिम्मेदारी उनकी है। इसीलिए जब इनकम टैक्स वहाँ पर पे किया जाता है तो उसके केस में ड्रॉइंग की एंट्री डाली जाती थी। याद करो, 11th में था कि जब भी लिखा होता था पेड इनकम टैक्स, तो आप लोग ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करते थे, क्योंकि वहाँ इनकम टैक्स को पर्सनल खर्चा माना जाता था। पर इसके केस में ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ें। हाँ जी, अगला फीचर परपेचुअल एग्जिस्टेंस। व्हाट इज दिस? कि कोई भी नया शेयर होल्डर आए या कोई चला जाए, इवन सारे भी मर जाए ना, सारे, तो भी कंपनी बंद नहीं होती है। कंपनी को खोलने वाला कौन है? लॉ। तो उसको बंद भी लॉ ही करेगा, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीड करो। किशोर को तो प्यास भी लग गई है। पढ़ लिया? समझ आ रहा है? आइए जरा अगला फीचर, लिमिटेड लायबिलिटी। क्या है ये बेसिकली? सुनो जरा, जैसे मान लो ये जो कंपनी का शेयर है, अच्छा आप लोगों को पता है ना कि जब सारे डॉक्यूमेंट्स इसे दिए जाते हैं तो इसने ये बता दिया कि तुम मैक्सिमम कैपिटल मान लो 1 करोड़ रुपए ले सकते हो। अब 1 करोड़ रुपए तुम इन सब से ऐसा थोड़ी है, खाली इसी से कह दोगे 1 करोड़ लिया। उस 1 करोड़ को हम छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं, और हर टुकड़े को क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है। अब जैसे मान लो ये जो शेयर है ये 100 रुपए का है, ठीक है ना। अच्छा आपने इन सब से, ये सब कौन है आपके शेयर होल्डर, मान लो आपने इन सब से 70 रुपए मंगा लिए अभी, और अभी आपने 30 रुपए मंगाए नहीं है इनसे। जब आप मंगाते हैं तभी पैसा आता है कंपनी के केस में, तो जो 30 रुपए अभी आपके आने बाकी है ना, बस आप उससे 30 रुपए ही मंगा सकते हो, उससे ज़्यादा आप मंगा ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इसकी लायबिलिटी की एक लिमिट है, पर पार्टनरशिप और सोल के केस में ऐसा नहीं होता है। पढ़ो एक बार। यहाँ ड्यूज का मतलब था जो बाकी है उसके लिए। समझ आ रहे हैं? चले आगे। जिनका रह जाता है वो बोलते भी नहीं है और पढ़ते भी रहते हैं। समझने वाले बच्चे समझ भी गए थे। आओ अगला, कॉमन सील। मैंने अभी बताया भी था। अच्छा, कॉमन सील होना कंपलसरी है क्या? नहीं।
हाँ, ज़रूरी नहीं है आप कॉमन सील रखो, है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसके बिना भी काम चल जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना जिंदा आदमी, वो भी तो है, उनके भी तो हाथ हैं, लिखना तो जानते ही होंगे, पढ़े लिखे हैं। नहीं मतलब ये कंपनीज एक्ट के अंदर अलाउ किया हुआ है, तो हम इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्यों भाई मैं तो नहीं मान रहा, लॉ में बोला गया है तो यू हैव टू फॉलो इट, सिंपल विदाउट क्वेश्चनिंग। इसमें हमारा कोई तर्क नहीं है, लॉ है तो मानना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। क्या सिग्नेचर भी होते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। हाँ तुम सही कह रहे हो कि ऐसी सील तो कोई भी बनवा लेगा, ठीक है, बट आपको पता है ये भी रजिस्टर करानी पड़ती है आप लोगों को उसके पास, आरओसी के पास। नहीं नहीं, फिर आपके सिग्नेचर भी है ना, खाली सील आपने लगा दी उसके बाद सिग्नेचर भी कर दिया, हो गया कंफर्म। ऐसे तो तुम सिग्नेचर भी फॉर्ज कर सकते हो, मेरे सिग्नेचर तुम कर सकते हो, वो तो उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है ना गलत काम का। तो एक बार जरा रीड करो इसे यार, कुछ नहीं छोड़ना है आप लोगों को, प्रैक्टिकल पढ़ते टाइम पर आप लोगों को ये बातें रह रह के याद आएंगी, फिर दिल रोएगा तुम्हारा। अगर ये पानी की बोतल इसके बाद इधर से उधर घूमी ना तो तुम सोच लेना सारे के सारे। भाई साहब एक कोने से चलनी शुरू होगी और एंड तक चलेगी और लास्ट वाले तक पानी पहुंचेगा, कोई गारंटी नहीं है। और कुछ लोग तो ना ऐसा मौका ढूंढ रहे होते हैं, जैसे ही उनको लगा ना अच्छा वो घूम गए हैं अब टीचर, तो धीरे धीरे खोलेंगे। ओ भाई ये ट्रिक्स छोड़ दो, इधर टॉपिक पे ध्यान दो। पढ़ लिया है क्या, घुस घुस के पढ़ रहे हो, ये किया हुआ तुम लोगों ने यार। आओ जरा अगला, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये क्या है? हाँ आप कंपनी के शेयर्स को, इसने शेयर खरीदा है तो ये अपने शेयर इसके नाम पर, ये इसके नाम पर, ये इसके नाम पर ट्रांसफर कर सकता है, बहुत इजीली आराम से हो जाते हैं। है ही नहीं, मैंने लिखा ही नहीं कुछ। अगला क्या है? सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज दिस? वेरी सिंपल, देखो कंपनी को चलाने वाला कौन है, पर कंपनी के मालिक बाहर बैठे हैं, तो देखो ना देयर इज अ सेपरेशन, कि मैनेज, ये मैनेजमेंट है बेसिकली, कि मैनेजमेंट अलग है और ओनरशिप बाहर बैठ के मौज ले रही है, तो ये कंपनी का एक फीचर है, ठीक है। आगे चलते हैं, तुम तो यहीं पड़े रहोगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो ये मेनली तीन तरह की है, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। हाँ जी, 1% कंपनी, ये कॉन्सेप्ट लाया ही क्यों गया, ये आया था किसी को ईयर याद है? 2013। क्यों लाए थे किसी को याद है? क्यों? हाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जो होते हैं वो कुछ लिमिटेशंस को सहन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके बिजनेस की एक्सपेंशन नहीं हो पाती है, लोग उन्हें लोन नहीं देते हैं, बैंक उन पर भरोसा नहीं करता है, तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है, सुनने में शायद छोटा लग रहा हो, तो वो लिमिटेशन को दूर करने के लिए OPC का कंसेप्ट लाया गया, 1% कंपनी का। एक ही बंदा अकेला कंपनी खोल सकता है, ठीक है, सुनिएगा ज़रा। अगर मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर की मैं बात करूं तो इसके अंदर एक ही रहेगा, इसके अंदर 2 से लेके 200, इसके अंदर 7 से लेके 9 लिमिट। और अगर मैं डायरेक्टर्स की बात करूं, डायरेक्टर्स यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके अंदर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15,
इसके अंदर मिनिमम दो, मैक्सिमम मिनिमम तीन और मैक्सिमम 15। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इनको बनाना कंपलसरी है, इसके लिए बनाना कंपलसरी नहीं है। ऐसा क्यों? इनको ऑप्शन दिया गया है कि या तो तुम खुद बना लो, अगर तुमने नहीं बनाया तो तुम्हारे लिए हमने बना रखा है। ये टेबल एफ बेसिकली कहाँ होगी? कंपनीज एक्ट के अंदर सब दिया हुआ है। अच्छा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, कंपनीज एक्ट के अलावा एक और भी कलेश होता है, दिखाई दे रहा है? कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 कुछ होता है, मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको ऐसा, मतलब दिखाने के लिए बता रहा हूँ। और ये भी कौन सा असली थोड़ी है, ये तो मैंने बना रखा है, अंदर तो कुछ और ही है। इसके अंदर मेरी खुद की बुक है, इसके अंदर पुरानी है, एक्साइज की है। अरे नहीं, बड़ी प्यारी बुक है, तुम देखोगे ना तो फैन हो जाओगे कि ऐसे भी बुक बनाई जा सकती है। राइटिंग की नहीं रे, मैंने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई थी। इतना अच्छा कंपाइलेशन है इस बुक का। खैर, हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है। सुनो, पब्लिक इनविटेशन की अगर मैं बात करूं, ये अपने शेयर पब्लिक को नहीं दे सकते, ये भी अपने शेयर पब्लिक को, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपने शेयर पब्लिक को ऑफर कर सकते। अगर ये पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते तो फिर किसको ऑफर कर सकते? आपस में बोले तो, जैसे मान ले मैंने और तूने मिलके प्राइवेट कंपनी खोल ली, अब तू बता हम अपने शेयर किस किस को दें? देख, मैं और तू तो फिलहाल दो में आ गए ना, दो में, 200 तक हमारे शेयर हम लोगों को दे सकते हैं ना। तो जो हम ये शेयर देंगे, हम सड़क पे खड़े होकर चिल्ला नहीं सकते हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो, शेयर ऐसा नहीं कर सकते। तो हम किसको देंगे? हट। अरे बताओ ना, किसको देंगे? कह रहा एक बार और करना। मैं कह रहा हूँ आर्यन, मैं और तू तो खाली दो में आ गए ना, पर हमारे शेयर हम 200 लोगों तक शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो ये जो लोग होंगे, ये कौन होंगे? हम पब्लिक में किसी को भी बुला लेंगे, मेरे तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ बैंक वाले हो सकते हैं, लिमिटेड लोग। इसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? प्राइवेट। अच्छा, क्या ये कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है? बिल्कुल। मतलब ये कंपनी चाहे तो दो तरह से इशू कर सकती है, एक तो प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि गिने चुने लोग, जान पहचान वाले, और एक खुलेआम जनता में। समझ आई? अच्छा, खुलेआम जनता में कैसे? न्यूज़पेपर में दे दो, टीवी पे दे दो, जहाँ भी तुम्हारा मन करे, इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, ठीक है ना। अच्छा, प्रोस्पेक्टस की अगर मैं बात करूँ, इन लोगों को प्रोस्पेक्टस ज़रूरत नहीं है, अकेला ही तो है, खुद ही पढ़ेगा, खुद ही बनाएगा, खुद ही खर्चा करेगा। कह रहा इसको भी ज़रूरत नहीं है, पर इसके लिए प्रोस्पेक्टस बनाना कंपलसरी है। अगर मैं शेयर ट्रांसफ़र की बात करूँ, तो इसके शेयर ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकते हैं। इसके शेयर ट्रांसफ़र तो हो सकते हैं, पर जिस जैसा आपने इसके अंदर लिखा होगा, पहले से ही कि अगर मेरी कंपनी प्राइवेट है और मैं अपने शेयर किसी को देना चाहूँ तो कैसे दूंगा, इसके अंदर लिखना पड़ता है। आपने इसके अंदर लिखा होगा तो ROC ने यानी कि रजिस्ट्रार ने पढ़ लिया होगा, क्योंकि आपने उसे कॉपी दी थी, उसने पढ़ लिया होगा तो उस पर स्टैंप लगा दी होगी, तो उसने अप्रूव कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वरना ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और इसके अंदर शेयर इजीली ट्रांसफरेबल है। हाँ, पब्लिक को तो दे ही नहीं सकते ना, ये तो आपके ऊपर लिमिट है, आप आपस में कर सकते हो। हाँ, और ये इजीली ट्रांसफरेबल है। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, ठक से क्लिक करो चले जाते हैं फटाफट। अगला, नेम आइडेंटिफिकेशन। अगर किसी ने ये वाली कंपनी खोली है तो उसे कंपनी के नाम के साथ में ये शब्द लिखना पड़ता है। जैसे कि रजत ने कंपनी खोली तो रजत अपने कंपनी के नाम के साथ लिखेगा रजत OPC, रजत वन पर्सन कंपनी। और इसमें नाम के साथ क्या लगाना पड़ता है? रजत प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ रजत लिमिटेड। बात समझ आई है? अच्छा, कुछ कहा क्या किसी ने? नहीं, बोल दो। अगर मैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का सब डिवीजन करूं तो ये आगे तीन तरह की और होती है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, या फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसमें शेयर्स चलते हैं,
एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। कोई बेवकूफी होगा जो इसे खोलेगा। अबे अगर अनलिमिटेड कंपनी खोलनी थी तो पार्टनरशिप में काम कर लो। अगर तुम्हारे मेंबर थोड़े हैं 50 तक हैं तो पार्टनरशिप में काम कर लो। हाँ तुम्हारे मेंबर ज़्यादा हो गए 50 से तो और अनलिमिटेड ही तुम्हें रखना है तो फिर तुम ये वाला टाइप चला लो। समझ आ रही है मेरी बात? और एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ज़रा एक बार रीड करो, आराम से समझ आ जाएगा। अच्छा आपकी कंपनी किस टाइप की है ये कहाँ लिखा होता है पता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर क्लियर लिखा होता है कि आपने किस टाइप की कंपनी खोली है। हाँ अरे वही मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, आपके सदस्य 50 से ज़्यादा हो रहे हैं तो पार्टनरशिप में तो आप काम ही नहीं कर सकते वरना आपका बिजनेस इलीगल हो जाएगा। तो फिर आप लोगों को यहाँ पर एक गैप दिया गया है कि आप यहाँ आके भी कंपनी के रूप में काम कर सकते हैं और आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड ही चलती रही, वरना उनका तो स्कोप ख़त्म हो गया ना 50 के आगे, तो उनको एक गैप तो देना पड़ेगा ना। प्रेजेंटली मेरी नज़र में नहीं है ये, मैंने तो आज तक देखी भी नहीं सुनी भी नहीं है, मतलब ये पढ़ी पढ़ी है खाली। पढ़ लिया होगा? आइए जरा, तो यहां तक हमारा काम हो गया है खत्म। अब हम देखेंगे कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रमोशन, दूसरा स्टेप होता है इनकॉर्पोरेशन और तीसरा स्टेप होता है बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट लेना। यहाँ पर भी सर्टिफिकेट मिलता है और एक यहाँ भी मिलता है, दो सर्टिफिकेट मिलते हैं। जब आपको ये दोनों मिल जाएंगे तब आप अपना कंपनी का काम शुरू कर सकते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या कह रहा है जरा देखिएगा, प्रमोशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये यहाँ पर वो लोग होते हैं जिन्हें आइडिया स्ट्राइक करता है, और मैंने पहले ही बताया था कि 99% टाइम पर जो हमारे प्रमोटर होते हैं वो डायरेक्टर भी बनते हैं। एंड ये जो लोग होते हैं जिन्हें हम प्रमोटर कहते हैं, इन लोगों को कुछ बातें बिल्कुल क्लियर होती हैं कि हमें क्या काम करना है, हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए, कितना पैसा चाहिए, वो सारी चीज़ें उनको बिल्कुल क्लियर होती हैं। और वो लोग एक स्टडी भी करते हैं इसके लिए, फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली ये चेक करने के लिए कि जो आपके दिमाग में आइडिया आया, जो खुरापात आई है, वो सही भी है या नहीं। दिमाग का क्या, कुछ भी सोच लो कि मैं 2 किलोमीटर नीचे गड्ढा खोदूंगा, भाई कोई मतलब भी तो हो, आसमान तक जाऊंगा बिना रॉकेट के। बात समझ आ रही है? आपका आइडिया कितना सही है तो ये चेक करने के लिए क्या कराते हैं हम, फिजिबिलिटी स्टडी। अच्छा ये कौन करता होगा? प्रमोटर खुद कर लेगा सारे का। इसको चेक करने के लिए इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो उस फील्ड के हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो अच्छा अब क्योंकि ये तुम किसी से करवाओगे तो यहाँ पर तुम्हारा एक खर्चे का जन्म हो गया, हाँ या ना। अभी इस खर्चे के ऊपर मैं थोड़ी देर में बात करूँगा। फिर आप जब आपने फिजिबिलिटी स्टडी कर ली और आपको पता चल गया कि आपका आइडिया बिल्कुल ओके है, फिर आप चले जाओगे सेकेंड स्टेज पर। अब आपका पहला स्टेज, पहला क्या होगा, आप रजिस्ट्रार के पास ये फॉर्म भरते हैं। एक इस फॉर्म में आप ये भी लिखते हो कि आपको कंपनी का नाम क्या रखना है, नाम बताना पड़ेगा ना, तो आप अपनी कंपनी के नाम के लिए अप्लाई करते हो, तो यहाँ पर भी एक खर्चा होता है। उसके बाद आप फिर क्या बनवाते हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। देखो देखना, दो कागज़ आ गए, ठीक है। उसके बाद आप क्या बनवाते हो, लो जी एक और आ गया, ठीक है। उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के मुंह पे मार के आ जाना, गलती भी मत कर देना, तुम्हारा मुंह तोड़ देगा वो, बहुत पावरफुल आदमी होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आंखों में आंखें नहीं मिला पाओगे तुम उससे, इतना तेज होता है वो, ठीक है। खैर
उसकी आंखों में देखना मत, प्यार प्यार हो जाए। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसे दे देंगे और इसके साथ में बेटा प्रॉस्पेक्टस भी जाएगा बेसिकली। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसे दे दो, फीस भी लगेगी जो भी फीस लगेगी, फिर वो इन्हें स्टडी करता है। उसके बाद अगर वो सहमत हो गया तो वो फिर आपको क्या दे देता है बदले में, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लो जी, बहुत सारे कागज़ इकट्ठे हो गए, इन्हें मैं फैला दूँ क्योंकि मुझे इनकी फिर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आपकी कंपनी का बर्थ तो हो गया पर आप अभी अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। अभी तक कितने खर्चे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इन खर्चों के लिए पैसे कौन दे रहा है, क्योंकि कंपनी तो बनी ही नहीं है। प्रमोटर अपनी जेब से दे देता है, ठीक है ना, और बाद में प्रमोटर कंपनी से वापस ले लेता है अपना खर्चा, क्योंकि कंपनी और प्रमोटर तो कहता है मेरा खर्चा है, तू कंपनी अलग है ना, चल मेरा पैसा वापस दे, या तो पैसे दे या फिर अपने शेयर दे दो। बात तो एक ही है, या तो पैसे दे दो या शेयर दे दो। सुनो, तो तीसरी स्टेज क्या है, अबे बस करो ना, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड बिजनेस कमेंसमेंट। बेसिकली आप लोगों को एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ये मेरे पास अभी नहीं है टेबल पे, बट होता है। जब आपको ये मिल जाता है उसके बाद आप अपना कंपनी का काम शुरू कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन है, सेल, परचेज, व्हाटएवर। अब यहाँ पर कुछ खर्चों की बात हुई थी, कितने खर्चों का जन्म हुआ यहाँ पर, कई तरह के खर्चे थे। तो अब इन सारे खर्चों के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा जरा समझा दूं। लो जी, इन सारे खर्चों को क्या नाम दिया जाता है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कह लो, या इन्हें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहा जा सकता है। जरा एक बार रीड करो, क्लियर हो जाएगी बात। बहुत हुआ तुम्हें, तुम यहां आ जाओ मेरे हाथ के पास। देखो, ऊपर से पूरा रीड करना है। ये सारे वही खर्चे हैं जो पीछे ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे थे, तो कभी तुम सोचने लग जाओ नहीं नहीं ये तो कलर अलग है, खर्चे ही अलग होंगे, थोड़ा दिमाग लगा लेना ना। अच्छा, ये एंट्री तब चलती है जब ये खर्चे होते हैं, और जैसे ही आपकी कंपनी का पहला साल कंप्लीट होता है तो इन खर्चों को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, जो कि P&L का बिल्कुल सगा भाई है, उससे राइट ऑफ कर देते हैं। पता है ना इतना, तो आओ जरा आगे चलते हैं। लो जी, हमारा यहाँ तक का काम खत्म हो गया है, अब जरा यहाँ आ जाओ। मेन मुद्दा रेजिंग ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल कैसे रेज की जाती है, यानी कि शेयर अपने कंपनी कैसे लोगों को देती है, ये मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा यहाँ जाके आएगा, ठीक है ना। लो, मैंने अभी बताया भी था कि इसके केस में कैपिटल जब भी आपको मंगानी है आप ये वाली एंट्री डाल देते हो। इसके केस में जब आपको कैपिटल चाहिए बस आप यहाँ पर पार्टनर का नाम ऐड कर देते हैं, पर इसके केस में क्या होता है, आप लोगों को शेयर देते हो और उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी मर्जी से मंगवाते हो जब आपको चाहिए, इंस्टॉलमेंट में मंगवाते हैं। अच्छा, क्या जरूरी है इंस्टॉलमेंट में मंगवाया जाए, कोई आवश्यक नहीं है, जैसा आप लोगों को लगे। वन टाइम मंगवाना है तो वन टाइम भी मंगवा सकते हैं। तो क्या ये हमारी मर्जी है, नहीं, मैं बताऊंगा कि कब आपकी मर्जी चलेगी और कब नहीं चलेगी। अगर तुम कह दो नहीं मुझे तो सारा का सारा पर अभी चाहिए, मतलब आदमी मर जाए। अरे आपके शेयर जिन्होंने खरीदे हैं वो है आम आदमी, बहुत ज़्यादा पैसा एक बार में नहीं दे सकता, उसने इन्वेस्टमेंट की है आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में, तो आप भी उन्हें थोड़ा स्पेस दें, थोड़ा थोड़ा पैसा करके मंगवाएं। समझ आ रही है, इसके रूल रेगुलेशन होते हैं, कंट्रोल किया जाता है, मैं बताऊंगा। तो फिलहाल आप लोगों को मैं बता दूं कि इनका पैसा मंगवाने के लिए इंस्टॉलमेंट यूज़ किए जाती है, और कितना पैसा किस इंस्टॉलमेंट पे आएगा सारा अकॉर्डिंग टू द रूल रेगुलेशन होता है। यहाँ देखिए ज़रा, मान लो आप लोगों ने कंपनी बनाई, ठीक है, और कंपनी की कैपिटल मान लो कितनी डिसाइड हो गई, 1 करोड़। ये कहाँ लिखी होगी, MOA के अंदर लिखी होगी। अच्छा, 1 करोड़ एक आदमी से तो लेने नहीं है, तो उसी टाइम पर डिसाइड हो जाता है कि आपका एक शेयर ये कितने का है, उसी टाइम पर डिसाइड हो गया। मान लो ये शेयर कितने का है,
अगर आपका ये वाला शेयर 10 रुपये का है एक, और अगर किसी को मुझसे 25 शेयर चाहिए तो वो मुझे कितने पैसे देगा? 250 रुपये देगा, हाँ या ना? 250 रुपये, ऐसा नहीं है कौन दे रहा 250 रुपये, भाग यहाँ से, 250 रुपये की कैपिटल, गरीब आदमी। सुनो, सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 10 लाख। अब ये 10 लाख शेयर थोड़े थोड़े करके जनता में बांट दिए जाते हैं। कहाँ उड़ रहे हो तुम, पेज होके इतनी औकात? सुनो, अच्छा उसके बाद वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके उनसे मंगवाते रहते हैं। जब ईयर एंड हो जाता है तो SPL बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पर वो कैपिटल पूरी दिखा दी जाती है, कितनी? पर ये 1 करोड़ तभी तो दिखाओगे अगर आपने यहाँ पर सारा पैसा इससे पहले ही मंगवा लिया है और आपको मिल भी गया है। ऐसा भी तो हो सकता है तुमने मांग लिया और लोग ना दे रहे हो, तो तुम जाके उनका गिरेबा पकड़ लोगे, यार दे रहे, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तुमने पैसा मांगा हो पहला स्टेप, और लोगों ने पैसा दे दिया हो दूसरा स्टेप, तो ये दोनों स्टेप यहाँ तक पूरे हो चुके होंगे, तो यहाँ पर पूरा 1 करोड़ दिखाई देगा। और यहाँ पर 1 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस या कैश, कैश नहीं मिलता वैसे, मैं आपको बता दूं, बैंक में ही आता है वो पैसा। बताओ यहाँ तक कहानी क्लियर है? अब सुनिएगा, अच्छा ये जो है ना, बेसिकली कह रहा है दीज आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट नेम ऑफ सो मैनी ओनर्स इन द बैलेंस शीट, सो वी यूज द टर्म शेयर कैपिटल। कि ये जो कैपिटल है ये किसी एक आदमी की नहीं है, ये बहुत सारे लोगों में बटी हुई है, इसीलिए कॉमन शब्द यूज किया जाता है। कह रहे दीज इन्वेस्टर्स, अगर मैं इनकी बात करूं, दीज इन्वेस्टर्स आर जनरली मिडिल क्लास पीपल, सो दे कैन नॉट पे ह्यूज अमाउंट एट वन टाइम, हैंस जो 10 रुपये होते हैं इट इज कॉल्ड अप इन वेरियस इंस्टॉलमेंट्स एंड दीज आर नेम्ड एज, इंस्टॉलमेंट का नाम दे रखा है, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन, दूसरी का नाम, तीसरी का नाम, चौथी का नाम। एक बच्चा कहता जरूरी है यही नाम देने, मैं कुछ भी दे दूँ, मैंने कहा क्या देगा, कह रहा पहले का नाम कबूतर, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है भाई, उसको जो नाम दे रखा है, उसको जो नाम दे रखा है वो उसके स्टेज के हिसाब से दिया हुआ। आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये नाम यही क्यों है, ठीक है ना? चलो, क्या कुछ कहा? कबूतर तो उड़ जाएगा। हाँ कबूतर उड़ जाएगा, पर इसका नाम कबूतर है ही नहीं, इसलिए ये नहीं उड़ेगा। सुनिएगा ज़रा, तो आप लोगों को ये क्लियर हुआ, ज़रा थोड़ा सा अंदर चलिए इसके। कह रहा है कंपनी यूज शेयर्स फॉर रेजिंग कैपिटल, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमें थोड़ा सा शेयर के बारे में जान लेना चाहिए। तो शेयर की मैं अगर बात करूं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर, बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, और इन सब के अपने अपने कुछ फीचर्स होते हैं। इसका अलग फ़ायदा है, इसका अलग फ़ायदा है, इसका अलग फ़ायदा है, सबके अपने अपने कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। तो कंपनी ये वाले तो इशू करेगी करेगी, इनमें से कंपनी कौन से इशू कर रही है ये डिपेंड करता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट कैसी है। और कोई ज़रूरी नहीं है कंपनी ये वाले इशू करे तो ये भी करने ही पड़ेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। पर ऐसा हो सकता है कि कंपनी ये इशू ना करे, ये कंपल्सरीली ये इशू होंगे ही होंगे, पर इनकी चॉइस है, ठीक है? ज़रा इन दोनों के बारे में रीड करें। पूरा पढ़ना है लास्ट तक,
समझ आ गए? चलें आगे। कोई बचा है जिसने अभी रीड नहीं किया है? हाँ कर लो। चले बेटा, लक्ष्य था। चलिए जरा थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। कह रहे हैं मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। कह रहे हैं शेयर कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल विच इज रेज्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर। आगे बढ़ो। कह रहे हैं सिंस अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट कैन नॉट बी ओपन फॉर ईच एंड, सबके लिए अलग अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, इसीलिए हम सबके लिए एक कंबाइंड अकाउंट यूज करते हैं। अच्छा, आप लोगों को लग नहीं रहा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? इंडिविजुअल के अलावा, मतलब इंसान के अलावा कोई और बिजनेस भी हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकता है? जरूरी थोड़ी है कि इंसान ही खरीदेंगे, कोई दूसरा चलता हुआ बिजनेस भी मेरी कंपनी के शेयर खरीद सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखना चाहिए इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन या एस्टैब्लिशमेंट, व्हाटएवर। चलें आगे, आइए जरा। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये कैसे पता चलता है कि किस आदमी से कितना पैसा आ गया? एक कंपनी में लाखों लोग हो सकते हैं। अब लाखों लोग एक जैसे नहीं है, कुछ की आदत अच्छी है, कुछ की आदत खराब है, कुछ टाइम पे पैसा दे देते हैं, कुछ थोड़ा देते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं देते। तो एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर बनाया जाता है, उस इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में सबकी डिटेल अंदर मौजूद होती है, उससे पता चल जाता है कि किससे कितना पैसा आया है, किससे कितना पैसा आना बाकी है। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा बात हमें बतानी चाहिए। आगे सुनिएगा ज़रा, कुछ टर्म्स यूज होती हैं हमारी। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप एंड, तो इन सब के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारी जो कहानी शुरू हो रही है वो यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, चलिए ज़रा। कह रहा है मान लो रजिस्ट्रार ने आप लोगों को कितनी कैपिटल अलाउ कर दी है इसके अंदर? आपको 10,000 शेयर और एक कितने का है? 10 रुपये का है। अच्छा, इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी बन गई है? 3, 3, 2, 2, 4 इंस्टॉलमेंट में वो डिवाइड हो गई है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑथराइज कैपिटल। तो बताओ कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है? ऑथराइज कैपिटल कहो या औकात कैपिटल कहो, मतलब मैक्सिमम है ना। ठीक है ना, तो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है यहाँ पर? 1,00,000। थोड़ा सा आगे बढ़ो जरा। अच्छा, आपने इसके अंदर उसने कितना अलाउ कर दिया आपको? 10,000 शेयर और एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का। यानी कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल उसके जीवन काल में 1,00,000 होगी, उससे ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते। हाँ, चेंज करा सकते हैं आप, इसके अंदर होता है क्लॉज। ठीक है, बट चेंज तभी कराओगे, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, वरना दप्पड़ मार के भगा देगा, ज़्यादा लेगा। हाँ, क्या मतलब? उसको बताना पड़ेगा ना आपको सच में नीड है। ठीक है, एनीवे सुनो, अब उसने कितने शेयर अलाउ कर दिए? 10,000। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000 शेयर ही जनता से सारे के सारे दे दो। मान लो आपने जनता को बोला कि हम अभी कितने शेयर देना चाह रहे हैं? 8,000। तो इसे बोलते हैं क्या? इशूड कैपिटल। अगर मैं 8,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस इज माय इशूड कैपिटल। उसके बाद आपने कितने जनता को ऑफर नहीं किए तो इसे बोलते हैं अन इशूड कैपिटल। थोड़ा सा और आगे चलो। अब मान लो आपने 3 रुपये यहाँ पर जनता से लेने हैं आज। ठीक है, अच्छा आपने जनता को कितने ऑफर करे हैं? 8,000। आपने जनता को बोला हमारे पास 8,000 शेयर हैं, हालांकि हमारे पास हैं तो 10,000, पर अभी हम 8,000 ही इशू करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब जनता आपसे शेयर मांगती है, जनता ने कितने शेयर मांगे तो तुम ये कह दोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हमारे पास 8 है और तुम 7 मांग रहे हो? वो जनता है भाई, वो कम भी मांग सकते थे, वो ज़्यादा भी मांग सकते, ज़्यादा मांग सकते थे। हाँ, जैसे स्कूल में मान लो 40 सीट हैं तो एडमिशन के लिए 40 से कम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, 40 से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं, वो लक है कि किसका नंबर आएगा। आया ना, तो वैसे ही जनता ने कितने शेयर मांगे तो 7,000 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और कितने नहीं मांगे? टोटल 8 थे ना, कितने नहीं मांगे? इसे कहते हैं अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल।
अब तुम मुझे बता दो, अगर यहाँ पर 3 रुपये आने थे तो यहाँ पर कितने रुपये आए होंगे? इसी पर तो पैसा भेजा होगा। अबे जब लोग शेयर मांगते हैं ना तो उसी दिन पहली इंस्टॉलमेंट भी भेज देते हैं, तो आज कितना पैसा आ गया होगा? 21,000 आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर लोगों ने शेयर मांगे, कितने मांगे टोटल? कुछ दिन बाद मैंने ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं किसको कितने शेयर दे रहा हूँ, ये जनता है। कितने शेयर मैंने बांटे? 7,000। अच्छा 7,000, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर जनता से दूसरी इंस्टॉलमेंट मांगी, तो 7,000 पर कितने मिलेंगे? 21,000 और आ गए, तो मेरे पास कितने पैसे आ गए? ये सारा पैसा मेरे बैंक में आता है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जनता से फिर कितने मांगे? 2 रुपये और मांगे, तो कितने बनते हैं? पर मान लो प्रेम ने नहीं दिए, थोड़ा निकम्मा है, नहीं दे रहा, प्रेम को छोड़ के बाकी तो दे रहे हैं, तो वैसे बनते कितने हैं? 14,000। तो 14 में से इसके काट दो, 15 × 2 कितना? 3,000 काट दो, कितने आ गए? तो 11,000 यहाँ पर और आ गए। तो 3 बार आपको पैसे मिले, पर तीसरी इंस्टॉलमेंट में थोड़ी सी दिक्कत हुई। किसने दिक्कत करी? प्रेम ने। अब ज़रा थोड़ा सा और आगे चलो, मान लो यहाँ पर आपका साल ख़त्म हो गया, यहाँ पर डेट आ गई 31 मार्च 2023 आ गई, मान लो आज की पोजीशन चेक कर रहा हूँ, ज़रा सुनना। कह रहा है बाय द एंड ऑफ द ईयर हमने कितने मांगे, इसका मतलब ये वाले 2 रुपये मांगने का हमें टाइम ही नहीं मिला अभी तक, हाँ या ना? हाँ, तो हमने 8 रुपये मांगे थे, तो 7,000 पर हमने कितने मांग रखे हैं? इन्हें बोला जाता है क्या? कॉल्ड अप कैपिटल, कि हमने कितने मांग रखे हैं। अच्छा, हमने कितने नहीं मांगे हैं? इसे बोला जाता है अनकॉल्ड अप कैपिटल। ध्यान रखना, ये है मांगी हुई कैपिटल और ये है जो हमने मांगी नहीं है। अभी मैं इसके बारे में कुछ और भी ऐड करूंगा थोड़ी देर में, ज़रा नीचे आओ। ज़रा कह रहा बाय द एंड ऑफ द ईयर सबसे पैसे मिल गए थे, पर किसने नहीं दिए? अब तुम देखो एक्चुअली कितना मिला है, तुमने मांगा कितना है? 56, पर देखो तुम्हें मिला कितना है? 21 और 11, ये 56 नहीं है, मिला कितना है? इसे बोला जाता है पेड अप कैपिटल, जो लोगों ने एक्चुअली तुम्हें दे दिए हैं। तुमने मांगे थे 56, पर कितने मिले हैं? 53, इट इज कॉल्ड। और कितने नहीं मिले हैं? ये है, इसी को एक नाम देते हैं कॉल्स इन एरियर, मतलब जो पैसा आना बाकी है। अब मुझे जरा बता दो ये क्या है प्लीज। हाँ जी, ये वो 2 रुपये हैं जो अभी कंपनी को मांगने का समय, अभी मैं इसे क्या नाम दे रहा हूँ? अनकॉल्ड कैपिटल। अगर से लाइन चेंज हो रही है, अगर कंपनी ये डिसाइड कर लेती है, डिसाइड कि ये 2 रुपये हम मंगवाएंगे ही नहीं और सिर्फ तब मंगवाएंगे जब कंपनी बंद होगी और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर इसे हम ये नाम नहीं देंगे, फिर हम इसे क्या नाम देते हैं? रिजर्व कैपिटल। नहीं समझ आई? अगर ईयर के एंड में शेयर का कुछ हिस्सा मंगाना बाकी रह गया है तो उसे हम क्या कहते हैं नॉर्मली? अनकॉल्ड। पर अगर आप लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, मैं बताता हूँ ये होता क्या है, एक तरह से ये वोटिंग है। अगर यहाँ पर 20 बच्चे बैठे हैं तो 20 में से अगर 15 मान गए हैं, यानी कि 75, अगर 75% लोग एग्री हो जाते हैं तो ये डिसाइड कर लेंगे कि इसे अभी नहीं मंगवाएंगे, कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे मंगवाएंगे, फिर इसे क्या नाम दे देते हैं? रिजर्व कैपिटल। और अगर ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया है तो ये क्या कहलाएगी? अनकॉल्ड कैपिटल। क्लियर हैं ये टर्म्स? कितने नाम सीखे ज़रा देखो एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नाम आप लोगों ने यहाँ पर सीखे हैं। इनसे 1 मार्कर क्वेश्चन क्लियर निकल के आ जाता है। आगे चलें। लो जी, ये सारा सिस्टम क्लियर है। आ जाओ जरा मेन चैप्टर के अंदर, इश्यू ऑफ शेयर। कह रहा है एक कंपनी चाहे प्राइवेट हो और चाहे पब्लिक हो, 1% की बात क्यों नहीं कर रहा? अबे अकेला ही तो है, सारे शेयर खुद ही लेगा, उसकी बात नहीं कर रहा। कह रहा है एक कंपनी चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, इट कैन शेयर, इशू कर सकती है। वो किस तरह से इशू कर सकते हैं, ज़रा बात सुनना।
कंपनी चाहे तो अपने शेयर देकर लोगों से पैसा ले ले, और कंपनी चाहे तो पैसा ना लेके कोई और सामान ले ले, लाइक आपको ये बस चाहिए तो अबे वो कह रहा नहीं चाहिए, मैं तेरे को बेच भी नहीं रहा हूँ। सुनो मैं कह रहा हूँ, मान लो हमारी कंपनी में बस की ज़रूरत है, तो हम जो भी बिजनेस ये बस बेच रहा है, आप ये बस खरीदो और बदले में आप उसे क्या दे देंगे, शेयर दे दो। तो यानी कि आप लोगों को शेयर के बदले पैसा भी मिल सकता है और शेयर के बदले में कोई एसेट भी मिल सकता है। आज की चर्चा खाली इसके बारे में रहेगी। कुछ कहा तुमने? सुनो, अच्छा, शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो सकता है और शेयर का पब्लिक प्लेसमेंट भी हो सकता है। पब्लिक प्लेसमेंट खाली कौन कर सकता है, पर प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक कंपनी भी कर सकती है और प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, दोनों की बात कर रहा हूँ। अभी पहले प्राइवेट प्लेसमेंट की बात सुनो। प्राइवेट प्लेसमेंट किसको की जाती है? फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, प्रमोटर्स को, LIC, GIC और कुछ सेलेक्टेड बैंक्स होते हैं इसके अंदर। तो आप अगर इन लोगों को अपने शेयर दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट। इस केस में आप लोगों को प्रोस्पेक्टस देने की ज़रूरत, प्रोस्पेक्टस नहीं देंगे। प्रोस्पेक्टस की जगह पर उसकी छोटी बहन कौन, स्टेटमेंट इन लिव ऑफ प्रोस्पेक्टस। इस पे भी स्पेलिंग मैंने गलत टाइप कर दी थी, मुंह मत फाड़ना। प्रोस्पेक्टस नहीं जाएगा क्योंकि प्रोस्पेक्टस है बड़ी बहन, उसकी छोटी सी बहन कौन जाएगी, SILP। ये दे दो, ये काम संभाल लेगी, ठीक है। तो जब आप ये देंगे उसके बाद इसके अंदर डिपेंड करता है कि आप पैसा एक बार में ले रहे हो या आप पैसा इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो, ये आपकी चॉइस है इसके अंदर। क्योंकि अगर आप बिगाड़ोगे तो इन्हीं का ही तो बिगाड़ोगे, जनता को तो कुछ नहीं बिगाड़ रहे। तो कह रहा तुम्हारी मर्जी है, इकट्ठा लो चाहे थोड़ा थोड़ा करके लो। बात है पब्लिक की, पब्लिक के केस में क्या है, कह रहा है अगर कोई कंपनी क्या कर रही है, बोलो, अगर एक कंपनी पब्लिक को अपने शेयर देना चाहती है जो कि कौन कर सकता है, तो फिर क्या होगा, कह रहा है पब्लिक कंपनी हैज टू टेक, कह रहा फिर इनको कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। क्या? सबसे पहला काम, कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस लोगों को भेजेगी, पहला काम। उसके बाद लोग शेयर अप्लाई करेंगे कि मुझे कितने शेयर चाहिए, उसके बाद कंपनी उन्हें शेयर अलॉट करेगी, उसके बाद कंपनी उनसे थोड़े थोड़े पैसे मंगवाएगी। इसके अंदर गहराई में चलो जरा। अगर कंपनी को सारा पैसा इकट्ठा चाहिए, मतलब अगर 10 रुपये का शेयर और कंपनी 10 के 10 एक ही बार में चाहती है, एक ही बार में, यहाँ पर अगर सारा पैसा एक ही बार में चाहिए तो रूल क्या है, इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डज नॉट अलाउ लमसम कलेक्शन इट हैज टू बी इन, मतलब एक कंपनी लमसम में पैसा कब ले सकती है, अगर आपका आर्टिकल अलाउ कर रहा है तो ले लो, वरना आप नहीं ले सकते। अगर आपने लिया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अमाउंट मत पूछना, मुझे याद नहीं है कितना लगता है, ठीक है। आगे चलो जरा, तो फिर आप इंस्टॉलमेंट में आओगे। इंस्टॉलमेंट का रूल क्या है, इंस्टॉलमेंट किसके हिसाब से होंगी, अगर आपने आर्टिकल में लिखा था कि कौन सी इंस्टॉलमेंट कब मंगवाओगे और वो कितने रुपए की होगी तो ठीक है, अगर नहीं लिखा था तो टेबल एफ में पहले से लिखा हुआ है। क्या रूल लिखे हुए हैं, पहला रूल कह रहा है दो इंस्टॉलमेंट के बीच में एक महीने का गैप होना चाहिए, अगर 1 अप्रैल में मंगवाई है तो दूसरी कम से कम मई में होनी चाहिए। आगे चलो, कह रहा है नो कॉल कैन एक्सीड 25% से ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए किसी भी इंस्टॉलमेंट का। अगर आपका शेयर 200 रुपये का है तो किसी भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कम से कम 14 दिन का नोटिस भी आपको देना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कल पैसा चाहिए तो तुम आज मैसेज भेज रहे हो पैसा दो पैसा दो। कह रहा है कम से कम 14 दिन का टाइम दो ताकि उन्हें पैसा इकट्ठा करने के लिए टाइम मिल जाए। किसको? जनता को। और कह रहा है कॉल शुड बी ऑन ऑल शेयर, ऐसा ना हो कुछ से मंगवाया कुछ से नहीं मंगवाया है। कह रहा है सबको बराबर समझना है आपने। तो ये सारे कुछ रूल हैं जो हमारे कब काम आते हैं, जब कंपनी शेयर इशू करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सुनिएगा, यहाँ से जर्नल एंट्रीज निकलनी शुरू होंगी और हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रोस्पेक्टस भेजना। एक यहाँ पर डेट लिखिए, इस डेट को टारगेट करके चलना, आपको चीज़ें
लिंक में समझ आ जाएगी। मान लो कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस कब भेजा, 1/4/18 को, और इसके अंदर कितने शेयर बोले हैं? एक रूल है कि कम से कम जनता इसका 90% शेयर ज़रूर मांगे। इट इज़ लाइक कि मान लो मेरी क्लास में 40 सीट हैं, तो मैंने कहा मैं तभी पढ़ाऊंगा जब कम से कम 30 बच्चे आ जाएंगे। एक रूल है। तो वैसा ही एक रूल है कि अगर कंपनी को 10,000 शेयर इशू करने हैं तो जनता कम से कम 9,000 शेयर मांगे, तभी आगे काम चलेगा, वरना पैसा लौटाना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं क्या? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर सेबी। आप जानते हैं व्हाट इज सेबी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उसने बोला हुआ है कि इट शुड बी मिनिमम 90%। अच्छा, तो यहां से क्या चला गया? क्या चला गया? प्रोस्पेक्टस। जरा सुनो, ये कौन है? कंपनी। ये कौन है? पब्लिक। और ये कौन है? बैंक। तो हमने इन तीनों को लिंक करना है। तो आज की डेट में यहां से यहां प्रोस्पेक्टस पहुंचा, लोग उसका क्या करेंगे? पढ़ेंगे। फिर लोग वहां से क्या भेजेंगे? अब आपने कितने शेयर ऑफर करे हैं? अच्छा, ये उसकी इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट है, 3-3, 2-2। तो लोग यहां से क्या भेजेंगे बेटा? एप्लीकेशन फॉर्म और पैसा। अच्छा सोचो, ये जो आदमी है ना सबसे ऊपर वाला, इसने बोला मेरे को 500 शेयर चाहिए, तो बताओ उसने कितने का चेक भेजा होगा? 500 पर पहली इंस्टॉलमेंट भेजेगा खाली। इसने कितने रुपए भेजे होंगे? 1500 भेजे होंगे। अगर इसने 5000 मांगे हैं तो 15000 रुपए भेजे होंगे। क्लियर है? तो बेटे दो चीजें गई हैं, एप्लीकेशन फॉर्म और पैसा। तो वो पैसा यहां पहुंच गया। अच्छा, यहां पर फॉर्म और पैसा दोनों आए हैं। पैसा तो यहीं रख लेंगे, जो फॉर्म्स हैं वो आगे भेज देते हैं किसके पास? अब कंपनी वाले चेक करते हैं कितने फॉर्म आ गए 10,000 शेयर के लिए। हमें मिनिमम कितने ऑफर करने थे? 9,000। तो ये लोग खुश हो जाते हैं, अच्छा हमें तो 9 ही करने थे, 10 आ गए, अच्छी बात है। तो इनको कितना पैसा आया होगा इनके बैंक में? 30,000। जर्नल एंट्री क्या डालेंगे? क्योंकि पैसा बैंक में आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू। एक बात बताओ, क्या ये लोग आपकी कंपनी के शेयर बन गए, शेयर होल्डर बन गए? नहीं, आपने अप्रूव कर दिए क्या? अभी इन्होंने खाली शेयर मांगे हैं, मैंने तो अप्रूवल नहीं दिया ना। जब तक डायरेक्टर अपना अप्रूवल नहीं दे देंगे ये लोग शेयर होल्डर, तो वो अप्रूवल कैसे होगा? इन्हें एक लेटर भेजा जाता है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। उससे पहले ये सिर्फ एप्लीकेंट हैं। कौन है? इसीलिए मैं यहां पर लिखूंगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखूंगा, कैपिटल नहीं लिख सकता मैं अभी। कितना पैसा आया है? 30,000। जैसे ही मैं इन्हें खुशी भरा लेटर भेजूंगा, खुशी भरा लेटर चला गया, अब वो लेटर यहां पहुंचेगा। तो दूसरी एंट्री, अब ये मेरे कंफर्म शेयर होल्डर बन गए, तो दूसरी एंट्री में अब मैं उस एप्लीकेशन अकाउंट को बंद कर दूंगा और टू शेयर शेयर कैपिटल। अब आप ढंग से देखो, ये वही एंट्री बन गई जो 11th में बनती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या शेयर कैपिटल, बात तो एक ही है। अच्छा, जैसे ही दूसरी एंट्री डलती है, इस लेटर के अंदर एक बात खुशी की है और एक बात गम की है। खुशी की बात तो यह है कि तुम लोग शेयर होल्डर बन गए हो, गम की बात यह है कि दूसरी इंस्टॉलमेंट का टाइम उसी दिन हो जाता है। इसका नाम ही अलॉटमेंट है, उसी दिन दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाती है, ड्यू। यू अंडरस्टैंड ड्यू? पीने वाली नहीं, ड्यू का मतलब टाइम आ गया, पैसे भेज दो, ठीक है। तो बेटे दूसरी इंस्टॉलमेंट हमें यहाँ ड्यू की एंट्री डालनी है, रिसीव की एंट्री नहीं कह रहा हूँ, ड्यू की एंट्री। एंट्री डालेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना? 30,000। फिर उसके बाद जब ये लेटर यहाँ पहुँचता है तो लोग दूसरे इंस्टॉलमेंट का पैसा यहीं भेज देते हैं। जब वो पैसा वहाँ आ जाता है, फिर एंट्री क्या डालेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर अलॉटमेंट, कितना? इसके बाद सिलसिला चलता रहता है सेकंड और थर्ड का, चेक करो जरा। सॉरी, किस चीज का नेचर? सब का बात करूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर में सारी चीजें। एंट्रीज को चेक करें जरा, ये दो एंट्री एप्लीकेशन की हैं,
अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की। बैंक वाली इसके केस में पहले पैसा आता है फिर उसे कैपिटल अकाउंट में भेजा जाता है। इन दोनों इनमें इसमें इसमें और इसमें पहले पैसा मांगा जाएगा फिर मिलेगा, मांगा फिर मिला, मांगा फिर मिला। रीज़न अजीब, गधेपुरी कहानी सुना दी। एप्लीकेशन के केस में लोग पहले पैसा भेज देते हैं, कहते हैं हमें शेयर दे दो, तो यहाँ उन्होंने शेयर मांगे, यहाँ मैंने शेयर दे दिए। उसके बाद मैंने सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगी, मिल गई, फर्स्ट मांगी, मिल गई, सेकंड मांगी, मिल गई। तो एप्लीकेशन के केस में बैंक वाली एंट्री पहले है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के केस में बैंक वाली एंट्री बाद में। नालायक, कैसा सवाल करते हो, जायज़ नहीं था सवाल तुम्हारा। समझ आ रहा है, पक्का? आगे चलें, बस आधे घंटे का काम हो रहा है। अरे नहीं, 15-1 मिनट का काम हो रहा है। समझ आ रहा है हाँ या ना? बस बात खत्म। कितनी एप्लीकेशन आई थी यहाँ पर? 10,000। अगर ये इंस्टॉलमेंट 9 की आती, देखो जनता का क्या है, कितने ही शेयर मांग ले, अगर उन्होंने 9 मांगे होते तो चीज़ें कैसे बदलती, ज़रा चेक करो। तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो पूरा हो गया ना, तो सारी एंट्री 9 के हिसाब से डल जाती। प्रॉब्लम कब है, अगर यहाँ पर इन्होंने कितने भेजे होते, 11 भेजे होते, अब तुम्हारे पास मैक्सिमम कितने हैं, इससे ज़्यादा कैसे करोगे? जब क्लास में चेयर ही 40 हैं तो मैं 41 कैसे बिठाऊँ? नहीं समझ आ रही मेरी बात? तो देखो, पहली एंट्री तो 11,000 के हिसाब से डलेगी, 11,000 × 3। उसके बाद दूसरी एंट्री में होगा क्या, 11,000 में से हम लेटर कितनों को भेज सकते हैं, बाकी के 1,000 को क्या भेजेंगे, लेटर ऑफ रिग्रेट, माफ़ कर देना, हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम उसका बिल नहीं है, मतलब हमारे पास शेयर ही नहीं। तो जब आप उन्हें लेटर भेज रहे हो तो पैसा भी तो भेजना पड़ेगा। तो आप ठीक से देखो, 3,000 से यही एंट्री वापस हो गई, रिवर्स हो गई। दूसरी एंट्री में आप इन्हीं से तो पैसा मांगोगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट इन्हीं से तो मांगना है, तो 10,000 × 3, 2 और 2 की एंट्री डलेगी। समझ आ गया है? आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई डाउट? चलिए, अगर यहां पर 9,000 से कम होता तो हम क्या करते, थोड़ा सा खेल बदल जाएगा। अगर यहां पर 8,000 की एप्लीकेशन आई है तो आपने पहली एंट्री कितने से डालनी पड़ेगी, 8,000 × 24,000, हाँ या ना? अभी आप ये एंट्री डाल ही नहीं सकते, रीजन सोचो, क्योंकि जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाएगी आप काम को बढ़ाएंगे ही नहीं। फिर हम क्या करते हैं, सबका पैसा लौटा दूं? एक ट्राई और किया जाता है दोबारा। फिर होता क्या है, अब क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिली है तो ज़रा इसी को आगे बढ़ा दो। अब हम यहाँ भेजा था प्रोस्पेक्टस, उसकी छोटी बहन कौन, अब इसे भेजा जाता है, जा तू जा। फिर लोग इसे दोबारा रीड करते हैं, फिर दोबारा से लोग अप्लाई करते हैं, फिर वही सारा सिस्टम चलेगा, फिर दोबारा फॉर्म्स आएंगे, फिर यहाँ चेक करेंगे कितने फॉर्म आए। अगर इस बार मान लो 1,000 से कम आए या 1,000 से, अगर इन्हें ऐड करने के बाद टोटल 9,000 या 8,400, मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया, अगर ये टोटल 9,000 बन गए हैं ये वाले और ये वाले मिला के, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। और अगर ये 9,000 से कम रह गए हैं तो मुझे फिर सबका पैसा लौटाना पड़ेगा, और जब आप सबका पैसा लौटाओगे तो इसी एंट्री को उल्टा कर देंगे, खेल खत्म हो जाएगा यहीं के। बता रहा हूँ, 60 डेज का नहीं है। सुनिए, आपने पहली बार प्रोस्पेक्टस कब इशू किया था, डेट को ध्यान में रखो, आपको कुछ डेज समझ आ जाएंगे, ठीक है? अगर आपने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया, कह रहा एंटायर मनी मस्ट बी रिफंडेड विद इन 45 डेज फ्रॉम इस डेट, और ये डेट ये वाली है, कह रहा है अगर आपने
इस डेट के अंदर अंदर ये वाला काम नहीं किया तो ये पैसा आपको लौटाना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं लौटाया 45 डेज में तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा जनता को, वरना तुम तो लोगों से पैसा मंगा के बैठ जाओगे और लोग वहाँ वेट कर रहे हैं पैसा वापस आएगा, तुम दे ही नहीं रहे। इंटरेस्ट लगा दो, अपने आप दोगे तुम, क्या तुम्हारा बाप भी देगा? मतलब ऐसा रजिस्ट्रार कह रहा है कंपनी वालों को, पता नहीं कोई क्या समझ ले। ठीक है, बात समझ आ रही है? आगे चले, पक्का कोई डाउट नहीं है? क्या मतलब? हाँ हाँ ठीक है, एरर हो गई, ये लो ना, अरे नालायक कैसी बातें करते हो। लो जी, अब हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जरा कुछ क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं, सीधा सीधा आ जाओगा। ये है क्वेश्चन आपका पहला बुक में, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 बाद में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी करने की, सीधा 5 पे आ जाओ, पढ़ो। ऑथराइज औकात कितनी है और एक शेयर कितने का है? 10 का। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, मैंने ले लिया, ठीक है। और कंपनी ने कितने अभी ऑफर करे हैं? 50,000, और एक शेयर 3, 3, 2, 2। ये ब्रेकअप है टोटल वैल्यू का। कह रहा है ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड, कह रहा है जनता ने 50,000 ही मांगे और हमने भी 50,000 बांट दिए, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है अज्यूमिंग ऑल सम्स हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड, बस अभी इतना ही रखो। एंट्रीज चेक करो ज़रा, एंट्रीज में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अरे ऐसी तो डलेंगी, ये दोनों एंट्री मैंने ऊपर नीचे क्यों डाली हैं? क्योंकि इन दोनों की डेट सेम होती है, याद करो, क्योंकि जिस दिन आप उन्हें लेटर भेजते हो उसी दिन आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू भी कर लेते हैं, तो कैपिटल में जाना और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का ड्यू होना एक ही डेट पर होता है, इसीलिए दोनों एंट्रीज मैंने साथ साथ लिखी हैं। अमाउंट बताओ कितना रहेगा? 50,000 × 3 कितना? 10 क्यों आएगा, एक बार में ले रहे हैं क्या? यहाँ कितना? 1.5 लाख, 1.5 लाख, और इसके अंदर यहाँ भी 1.5 लाख, और भैया दो जगह लिखना, पता नहीं भाई किसके दिमाग में क्या चल जाए, आपने तो ऐसे टेढ़ा करके लिखा था, हमने भी एक बार चला लिया ऐसे। हाँ 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ, पक्का नहीं है? ज़रा इसे समझने की कोशिश करो, अगर आप ढंग से देखो तो ये जो लेजर हैं ये तो आपस में कट ही गए, देखो ज़रा, ये अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कट तो गया, फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कट गया, तो जिंदा लेजर खाली दो ही जिंदा हैं, एक बैंक जिंदा है और एक कैपिटल यानी कि शेयर कैपिटल जिंदा है। तो ये जो लेजर हैं ये आपस में कट चुके हैं, ये लेजर बनेंगे, ऐसा नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, पर ये बंद हो जाएंगे, तो दीज लेजर्स आर कॉल्ड ब्रिजिंग लेजर, ऐसे लेजर दो जो दो एंट्रीज को कनेक्ट करते हैं। अब क्योंकि ये दोनों जिंदा हैं और जिंदा लेजर बैलेंस शीट में जाते हैं, आपको याद हो 11th में बताया था पर्सनल और रियल, ये दोनों का नेचर पर्सनल है, वैसे इनका नेचर भी पर्सनल ही है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों का क्या नेचर है? पर्सनल, तो दोनों बैलेंस शीट में चले जाएंगे, ये जाएगा एसेट साइड में और ये जाएगा लाइबिलिटीज के अंदर। नरेशन देखो, नरेशन कैसे डालनी है, रजत जी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं टाइपिंग में, उन्हें इग्नोर किया करें, आगे बढ़ा करें, और गलतियों से ज़्यादा अच्छा है सही चीज़ पे ध्यान दें, आगे बढ़ें। अगर मैं 11th वाली बैलेंस शीट बनाऊं तो 11th वाली बैलेंस शीट में चीज़ें कैसे नज़र आएंगी? ये लेजर ख़त्म हो चुके हैं, जो बैंक है ये कहाँ चला जाएगा? एसेट के अंदर, और ये कहाँ चला जाएगा? तो बैलेंस शीट हमारी इक्वल हो जाएगी, हाँ या ना? 12th वाली बैलेंस शीट ये है, आपको यही बनानी है और इसमें कोई छेड़खानी नहीं चाहिए, जैसी है वैसी बनेगी, इस चैप्टर में पूरी नहीं बनेगी, इस चैप्टर में खाली इतनी बनेगी बस, क्योंकि हम इस चैप्टर में सीख क्या रहे हैं? खाली शेयर इशू करना, एसेट खरीदना, माल खरीदना, ये बच्चों वाला खेल नहीं चाहिए, खाली शेयर इशू करना सीख रहे हैं, तो ये ही चलेगी बस, ठीक है।
तो कैसे प्रेजेंट करूं? ये जो 5 लाख है ये तो यहां चला जाएगा इसके सामने, और ये जो 5 लाख है ये कहां चला जाएगा? इसके सामने। ये करंट एसेट है ना, तो इसके सामने आ जाएगा 5 लाख। अच्छा, आपको ना इसकी डिटेल भी देनी पड़ती है, ये 5 लाख कैसे है, तो इसके 5 लाख की डिटेल चेक करो जरा। इसे बोलते हैं क्या, नोट्स टू अकाउंट। मतलब अगर आपने यहां पर 5 लाख रुपए लिखा, ये क्या 5 लाख है, ये 5 लाख है, तो यहां पर आपको बताना पड़ता है नोट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे नोट। फिलहाल ये किसका नोट है? 1, खाली शेयर कैपिटल का नोट है। तो ये उस 5 लाख की डिटेल है, ठीक है। और इसके अंदर भी कितना था यहां पर? 5 लाख। इसकी डिटेल इसके अंदर रहेगी। इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, तो आपने सबसे पहले ये बताना है। उसके नीचे आपने इश्यू कितने किए हैं, उसके नीचे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। फिलहाल इसके अंदर दिखाई देंगे सारे के सारे। अब ये इसके अंदर क्यों दिखाई दिए ये अभी नहीं बता सकता, अगली क्लास में पता चल जाएगा, ठीक है। कि शेयर यहाँ कब दिखाई देंगे और यहाँ कब दिखाई देंगे ये आपको बाद में पता चलेगा। आराम से चेक करो बेटा, ये ना 6 लाख, 5 लाख और 5 लाख है। ढंग से देख लो, कोई डाउट है तो बता दो। कोई बोलेगा कुछ? ये समझ आ गया नोट्स टू अकाउंट? ख्याल रखना, मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को ये हेडिंग दिखानी है। ऐसा नहीं है कि सीधा का सीधा यहां पर ये दिखा दिया। यहां कितना रखा था? 5 लाख। यहां कितना रखा है? तो ये 5 लाख ये वाला है, ये तो खाली हाथी के दांत हैं खाने के, और तो आपको ये वाला 5 लाख है, जो ये 5 लाख वहां गया है। मतलब ये इंफॉर्मेशन खाली दिखावे के लिए है, पर दिखानी तो पड़ेगी, क्योंकि कंपनीज एक्ट में बोला हुआ है कि तुम जनता को ये तो बताओगे ही, साथ में ये भी बताओगे। क्यों? 11th में पढ़ा था ना, फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर, कह रहा सब बता दो, सब बता दो, जो है सब बता दो। तो वही तो कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट भी और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी बता रहे हैं जनता। आगे चला जाए, किसी का कोई डाउट शाउट है तो बताओ। अच्छा, अब आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, अभी इस क्वेश्चन में मांगा क्या था, जर्नल एंट्री और कि शेयर कैपिटल कैसे दिखेगी। अब मैं कह दूं मुझे जर्नल एंट्री नहीं चाहिए, तो ये जर्नल एंट्री हट जाएंगी, आप लोगों को खाली ये हिस्सा और साथ में ये वाला नोट, बस यही आंसर है फिर। और ये लेजर्स भी नहीं है फिर, मतलब क्वेश्चन के बेस पर डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाना ऐसा भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कहानी क्लियर है? अगर जर्नल एंट्री मांगे तो जर्नल एंट्री दिखा दो, लेजर मांगे, आज तक मांगे नहीं है, आज तक नहीं मांगे, 10 साल तो मुझे हुए देखते देखते, ठीक है। एंट्री मांगे एंट्री दे दो, लेजर मांगे लेजर दे दो, डायरेक्ट बैलेंस शीट मांगे तो जर्नल एंट्री छोड़ो, लेजर छोड़ो, सीधा बैलेंस शीट दिखानी है, उसके अंदर बैलेंस शीट और साथ में उसका नोट्स टू अकाउंट दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा कह दे क्वेश्चन कि इंस्टॉलमेंट नहीं चाहिए, सारा पैसा एक ही बार में चाहिए, तो फिर एंट्री क्या डलेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने शेयर थे? तो यहां एंट्री 5 लाख से आ जाएंगी, यहां पर भी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सारा एक बार में हो रहा है? तो फिर खाली एप्लीकेशन लिख दो, अलॉटमेंट क्यों लिख रहे हो? क्योंकि दो स्टेप तो चलने पड़ेंगे, लोग पहले मांगेंगे यानी कि अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही तो मैं अलॉट करूंगा। तो पैसा तुम एक बार में मंगवाओ चाहे 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवाओ, दो स्टेप तो चलने ही पड़ते हैं। इसीलिए अगर पैसा 1 टाइम में आ रहा है तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों अकाउंट को
जॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मैंने ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, आप लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। आप लोगों के लिए एक तो ये जर्नल एंट्री सारी रहेंगी, उसके अलावा ये वाला हिस्सा रहेगा और साथ में इसका ये वाला नोट, ये वाला बनाओ मत बनाओ तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये होमवर्क के अंदर आपके लिए रहेगा, क्लियर है। बस क्लास हुई आज वाली यहीं पर समाप्त, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा।